फिर मजा तुर पता जाए खाओ रसगुल्ला जिलेबी की जाए। नमस्ते मिथिला, अपन नाम मैथिल, हम प्रकाश अहाँ सब मिथिलावासी के स्वागत कर रहे हो मिथिला ग्लोरी मैथिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल का एक टाइम का सुंदर सर मैथिली ब्लॉग में। और इस सुंदर सर मैथिली ब्लॉग में अहाँ सब मैथिली हम लोग के जा रहे हो एक बहुत सुंदर जो महाराष्ट्र के जगह है तई ठाम जरा कि अहाँ सब गोटे बुझल कि अखन छे मई जून के महीना चल रहे हैं। और मई जून के महीना में पूरा अपन देश भर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अप्रोक्सीमेटली जो गर्मी के लेवल छे 45-50 तक पहुँच गए बहुत सारा जगह पर। तो गाँव सबके लोग के पास में बहुत सारा ऑप्शन है, गाछी बिरछी भ गए, गाँव में बहुत सारा तालाब पोखर सब है, लेकिन शहर के जो लोग हैं उनका पास में बस वाटर पार्क रिसोर्ट चाहे यह एगो दूगो ऑप्शन बचल छे, क्या गाछी बिरछी होते ही नहीं छे और तालाब पोखर तो बुझल शहर में होते ही नहीं छे, जो हेबो कर सकते ओहन नहीं छे। तो तै दुआरे अहाँ सब मैथिल के जे क्यों भी मुंबई महाराष्ट्र में रहे उनका बता दी चाहिए, गुजरात में रहे उनके लिए एक बहुत सुंदर स्पॉट हम ढूंढ रहा जो कलमांडी वाटरफॉल है, ये है ना महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर। अगर हम डिस्टेंस की बात करी थी अप्रोक्सीमेटली मुंबई से 150 किलोमीटर के आसपास में छे और जे गोटे वसई विरार में रहे छे उनका बता दी वो 100 से 120 किलोमीटर अठम तक छे। अठम जाय के जे तरीका हम बताबी तो सबसे बेस्ट तरीका छे अगर अहाँ के पास में खुद का गाड़ी है तो वो सबसे बढ़िया है, क्या कि जे कलमांडी वाटरफॉल छे से बहुत दूर छे और जे एरियो सब छे ना टोटली रूरल छे यानी कि ओते डेवलप नहीं छे, अठम छे यातायात के साधन ओते उपलब्ध नहीं छे। तो तै दुआरे अगर अहाँ के पास में खुद के गाड़ी है तो अहाँ से डायरेक्टली छे कलमांडी वाटरफॉल गूगल मैप पर डालियो और डायरेक्टली अहाँ भले गुजरात चाहे मुंबई में रहे अहाँ अठम पहुंच सके छी। और जिनका पास में ये ऑप्शन नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके लिए चाहे उनका बता दें कि अहाँ डायरेक्टली ना पालघर का ट्रेन पकड़ पड़े तो वेस्टर्न लाइन का जतक कत रही है ओठाम से और पालघर से एक तो बस चले कलमांडी वाटरफॉल के लिए तो अहाँ कैसे ना मतलब वो बस पकड़ पड़े तो बस नंबर की चीज पता नहीं है लेकिन अहाँ स्टेशन पर उतरबे अहाँ कहबे तो अहाँ बता दे और वही के बाद अहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर चल से हो पड़े। तो ताहि दुआरे कहलूँ कि सबसे बेस्ट तरीका से अगर अहाँ पास खुद के गाड़ी है तो वही से अहाँ जा सके। हाँ एक बात अहाँ सबके और हम बतबे के लिए चाहे अगर जे क्यों गोटे जाए के लिए प्लान कर रहा हूँ तो ट्राई करब कि जत्ते भोरे भोर अहाँ जा सकै छी ओते बढ़िया रहत, क्याकि ई जे छै ना 100-150 किलोमीटर के जर्नी छै गर्मी के टाइम में तय केनाइ स्पेशली जे गोटे बाइक से जाब हुनका लेल छै बहुत डिफिकल्ट रहतै, क्याकि सबटा पहाड़ी एरिया छै और जहन पूरा ई जे पहाड़ के पत्थर सब छै सब गरम होइ छै तऽ बहुत गर्मी भऽ जाइ छै, कतबू पूरा किट पहिरने रहबै ट्रैवलिंग के राइडिंग के तैयो अहाँके बहुत प्रॉब्लम होयत। ताहि दुआरे जत्ते भोरे निकलि सकै छी ओते भोरे निकलि कऽ अहाँ रिटर्न आयब, भोर के लगभग 6-6:15 बजले ओहिठाम छै ना सूर्योदय भऽ गेलै फरीच भऽ गेलै फटाफट निकलै छी और डायरेक्टली अहाँ सब गोटे के मिलै छी कलमांडी वाटर। अहाँ सब गोटे देख सकै छी लगभग 2 से 2.5 घंटा गाड़ी चलेला के बाद हम ओहिठाम पहुँच चुकल छी और ई देख सकै छी अगर मेन गेट छै ओहिठाम से छै ना ई वाटरफॉल चालू भऽ जाइ छै, अहिठाम अहाँ सबके देख सकै छी एकटा पर्ची काटल जाइ छै, पर्ची अहिठामक लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा एकटा संस्थाक निर्माण कयल गेल छै और ओ संस्था छै पूरा सुरक्षा पार्किंग एवं जे भी चीज है ओकर रख रखाव के लिए बनाएल गेले हैं और वो सब छै ना 20 रुपया पर पर्सन चार्ज करै छै, अगर अहाँके पास में गाड़ी है जेना कि बाइक तो ओकर 20 रुपया और फोर व्हीलर के 50 रुपया ई सब चार्ज करै छै। तऽ अहाँ सब देख सकै छी ऑलमोस्ट हम पहुँच चुकल छियै और ई देख सकै छियै लगभग ई जे छै ना कहि सकै छियै 5-7 बाँस जे छै ना ऊँच छै और नीचा देख सकै छियै बहुत सुंदर जेना अपना सब गाँव में नदी बहैया तेनाली एहिठाम जे छै ना पानि बहि रहल पूरा पहाड़ से एहन अइ वज्र रौदी में तो चलू बहुत मजा आबे वाला छै और लोग जेना कहलो स्टार्टिंग में लोग सब बहुत आयल छै क्योंकि संडे छै एक दिन पता है बाहर लोग कते एंजॉय करै छै वीकेंड सब के लेल। फाइनली अहाँ सब देख सकै छी हम एहिठाम पहुँच चुकल छी और अखन का हमर मन के अंदर के जे खुशी है ना हम व्यक्त नहीं कर सकै छी वीडियो के माध्यम से, कते सुंदर दुका नजारा लग रहा है देख लगभग पहाड़ के ऊपर से अखन आधा पर आबि गेल छी और देख सकै छी एहिठाम पानि अखन कते सुंदर लग रहा है, पानि एक्चुअली अहाँके अखन नीचा लागत आयत लेकिन अहाँ एहिठाम छै ना बारिश के टाइम मे जे देखबै तऽ ई पानि जे छै ना पूरा पहाड़ के ऊपर तक चलि आबै छै। पुल बना है, ये पुल से महात्मा गांधी सेतु है, ये इससे उतरना पड़ेगा आपको, इतना सुंदर नजारा देखने के लिए देखो।
हासपुर देखने में स्टार्टिंग में 20 रुपया पर पर्सन के पर्ची काटने चले जेकर ये टोटली जैसे ना वर्थ से क्या कि एटम अला के बाद जो पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे छथिन ओके अलावा देख सकते लगभग 15-20 गोटे के टीम है एत गाँव जगह नहीं है कि सब गोटे के लगभग मोस्टली हेल आबे छे तैरा आबे छे बहुत सारा लोग एहन छथिन जिनका तैरा नहीं आबे छे लेकिन ओके बावजूदो वो सब छै ना जना ऊपर देखै छी पहाड़ कते हाइट छै ऊपर से कूद जाय छथिन चाहे जना कूदबो करै छथिन हुनका हेल नहीं आबे छै तऽ डूबे के समस्या बहुत ज्यादा छै प्लस ई पत्थर सब छै ना एमे लोग दौड़ल चाहे भागल तऽ ओहि छै ना गिर सेहो पड़ै छै तऽ ओहि सबका ध्यान रखैके लेल छै ना सबसे एतय एकटा 20 आदमी के टीम छै और वो टीम जे छै ना हरेक तरीका से छै ना सुरक्षा प्रोवाइड करै छै एहिठाम से अहूँ सब गोटे से रिक्वेस्ट करब जे भी कि गोटे ई वीडियो देखला के बाद अगर एहिठाम आबै छी तऽ प्लीज एतुका जे रूल्स रेगुलेशन छै ओकरा फॉलो करू कोनो खास भारी रूल्स रेगुलेशन नहि छै नॉर्मल छै बस खाली देख सुनि कऽ एहिठाम आउ एन्जॉय करू और जाउ तऽ चलू हमहूँ कूदैके लेल जा रहल छी फेर सँ रुक रुक हम जेबै आब हम जेबै रुक रुक अहाँसभके देख सकै छी आइ तऽ संडे छै संडेके लेल कतेक लोक एतय आयल छै जेना स्टार्टिंगमे जे नेचुरल वाटरफॉल छै अखन फिलहाल बाहर गर्मी ततेक छै तऽ वएह लोक जे छै ने आर्टिफिशियल वाटर पार्क भऽ गेल छै स्विमिंग पूल टाइम जाइ छै लेकिन नेचुरल छै प्राकृतिक रेंज छै ऑल्दो ई बहुत दूर छै लेकिन तैयो लोक देखै छै लगभग कतेक 1000 से बेसी लोक तऽ आयल हेतै आओर आबि रहलै हँ कियाकि ई लुक जे छै ने बाहरमे बहुत रेयरली भेटै छै तऽ अहूँसभ गोटे केओ अगर आबैके लेल चाहै छी ऑलरेडी हम पूरा डिटेल्स बता देने छी केना आबै छै एहिठाम आउ आओर एन्जॉय करू सब गोटे एतयसँ पूरा नजारा देखियौ कतेक सुन्दर लागि रहलै हँ ईसभ देखै छियै बाहर करू गिरै छै मुनिसभ एना तऽ पहिने पोखरि धारमे सभसँ नहाइ छै लेकिन अहाँसभ देखै छियै एतय कतेक कम पानि छै ताहिके बावजूदो जे छै ने ईसभ लाइफ जैकेट पहिर कऽ सभ नहा रहलै हँ लेकिन एतुका नजारा देखियौ कतेक सुन्दर कतेक मनमोहक लागि रहल अछि चलू बहुत देर एन्जॉय केलाके बाद एतऽ सब निकलि रहलहुँ बहुत देर पनीरे लगभग 6-7 घंटा पनिया देलियै पानिमे आ जे छै ने देखियौ लोकसभ जा रहल एतऽ छै पहाड़ छै चारों तरफ तऽ गर्मी सेहो छै ने बहुत गरम भऽ गेल छै पहाड़ सब गर्मी हुअ लगलै पानि ठण्डे छै मुदा तैयो आब छै बहुत टाइम हो गया कि जाइयोमे लगभग लागै छै 2-3 घंटा से ज्यादा 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कऽ कऽ हम एलियै विरार से अहाँ सब गोटे हम कहलहुँ तऽ चलो निकलै छी आशा करै छी एतेक दिनका लगभग 4-5 महीनाके बाद ब्लॉग हम फेरसँ स्टार्ट केलहुँ अहाँ सब गोटे नीक लागल हैत तऽ आब अखनसँ ब्लॉग जे छै ने कंटिन्यू हेतै जकरा सब दुआरे हम ब्लॉग बंद कए छी से भऽ गेल छै तऽ चलो मिलै छी अगला वीडियोमे तामे तऽ सब गोटे अपन ख्याल रखू सेफ रहू सुरक्षित रहू जय मिथिला जय मैथिली जय जानकी हेलो गाइस बाय बाय Thank you.